बच्चों, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस प्रमेय की सहायता से कूलम के नियम की व्युत्पत्ति। ठीक है, अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं बेटा, थोड़ा सा यहाँ पे अटेंशन दीजिएगा। स्टूडेंट सिर्फ क्या देख लेते हैं, गॉस थ्योरम, या फिर क्या देख लेते हैं, कूलम्स लॉ। ठीक है, पर इस क्वेश्चन को आप क्या देखिएगा, आपका क्वेश्चन पूरा क्या है, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ठीक है, आपको कूलम्स लॉ का डिडक्शन करना है, उसकी व्युत्पत्ति करना है, उसको फाइंड करना है, किसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से। मतलब गॉस थ्योरम का उपयोग करके आपको क्या निकालना है, कूलम्स लॉ। ठीक है, स्टूडेंट सिर्फ गॉस थ्योरम देखते हैं तो गॉस थ्योरम पूरा प्रूफ कर देंगे, कूलम्स लॉ देखते हैं तो कूलम्स लॉ पूरा प्रूफ कर देंगे। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन आता है स्टेट गॉस थ्योरम। ठीक है, स्टेट गॉस थ्योरम एंड डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। मतलब सबसे पहले आपको गॉस थ्योरम का सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है, उसको प्रूफ नहीं करना है। ठीक है, जो उसका स्टेटमेंट है कि जो टोटल फ्लास्क चार्ज का क्या होना चाहिए, 1/ε0 टाइम हो। ठीक है, उसका पूरा स्टेटमेंट लिखना है लेकिन उसको प्रूफ नहीं करना है, नहीं तो आपका ही टाइम वेस्ट होएगा। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिएगा गॉस थ्योरम का, यदि स्टेटमेंट पूछा जाता है तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखें। ठीक है, पूरा आपका जो है ये वाला जो क्वेश्चन है आपका पूरा गॉस थ्योरम के जैसे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अपन पहले डायग्राम समझ लेते हैं। सिंपल सा डायग्राम है कि आपके पास सेंटर पे ओ पॉइंट है, प्लस क्यू चार्ज है, आर उसका रेडियस है। ठीक है, यहाँ पर आपने एक एलिमेंट्री एरिया, एक छोटा सा एरिया आपने यहाँ पे सपोज किया है। यहाँ पर आपने पी पॉइंट सपोज कर रहे हैं, यहाँ पे इंटेंसिटी ई है, बाहर की तरफ आपका इसका डायरेक्शन होगा इंटेंसिटी का। ठीक है, आपने एक स्मॉल एरिया कंसिडर किया है जिसका डायरेक्शन भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, जिसके कारण डायरेक्शन आपका एरिया का जो डायरेक्शन है, इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है, वो सेम डायरेक्शन होगा। ठीक है, जैसे सपोज ये एरिया है तो उसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इस साइड होगा, तो उसका डायरेक्शन मतलब एरिया का डायरेक्शन और इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम है, इसलिए एंगल भी क्या बनेगा, जीरो। ये अपन ने बार बार गॉस थ्योरम में भी पढ़ा था। ठीक है, तो डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक आपने सेंटर पे ओ ओ को आपने सेंटर सपोज किया है, उसमें प्लस क्यू चार्ज लिया है। ठीक है, एक आपने एक स्फीयर कंसिडर किया है, गॉसियन सरफेस बना दिया है आपने, और एक स्मॉल एलिमेंट्री छोटा सा एक एरिया सपोज किया है जिसमें आप डायरेक्शन डीएस, जो आपका एरिया है डीएस उसका डायरेक्शन और इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है पी पॉइंट पे, इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, सेम होगी, सेम होगी। ठीक है, अब आप लिख रहे हैं, अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। वी सेलेक्ट अ स्फेरिकल सरफेस एस, मतलब आपने एक स्फेरिकल सरफेस क्या मांगा है, एस। एस आपने स्फेरिकल सरफेस माना है, रेडियस आपने क्या सपोज किया है, आर। रेडियस आपने क्या सपोज किया है, आर। ठीक है, सेंटर एट चार्ज क्यू, सेंटर पे आपका चार्ज किया है क्यू। एज द गॉसियन सरफेस, आपने उसके चारों तरफ एक क्या कल्पना कर ली, क्या एज्यूम कर लिया है कि एक गॉसियन सरफेस है, क्लोज आपका गॉसियन सरफेस है। ठीक है, गॉसियन सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए। द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू विल बी द डायरेक्ट रेडियली आउटवर्ड, मतलब जो इंटेंसिटी का डायरेक्शन है वो रेडियस के ही डायरेक्शन में क्या है, आउटवर्ड साइड है इसका। ठीक है, एट एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर। ठीक है, एवरी पॉइंट मतलब आपके सभी पॉइंट पर, सरफेस के सभी पॉइंट पर इंटेंसिटी, और यदि आप जो भी एरिया सपोज कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, और इसका एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इसका एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आप वही हिंदी में भी मैंने वही लिखा है कि माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू, ठीक है, बिंदु ओ पर स्थित है, बिंदु ओ पर स्थित है, ओ को केंद्र मानकर, बिंदु ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं, पृष्ठ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अव्ययी क्षेत्रफल डीएस लेते हैं, उसको आप एलिमेंट्री एरिया, छोटा सा एरिया या अव्ययी क्षेत्रफल बोल सकते हैं। ठीक है, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु ई और डीएस के बीच का कोण क्या है, थीटा इक्वल्स टू जीरो, इन दोनों के बीच का कोण क्या है, जीरो है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इनके बीच में कोई भी एंगल नहीं ड्रॉ हो रहा है, मतलब इसके बीच का एंगल आपका क्या होगा, जीरो होगा।
मेरे ख्याल से इतने पोर्शन में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, सबसे पहले आपका डायग्राम है, डायग्राम आप सही बनाएंगे आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक, उसके बाद सिंपल नोटेशंस आपने लिए हैं कि वो ये सिंपल नोटेशंस की बिंदु ओ पर प्लस क्यू चार्ज है, आर आपका रेडियस है, आर रेडियस का आपने एक गोला गोलीय पृष्ठ ड्रॉ किया है, एक स्फीयर ड्रॉ किया है। ठीक है, उसके बाद आपने पी पॉइंट लिया है, पी पॉइंट पर इंटेंसिटी आपका ई है, एक स्मॉल एरिया आप सपोज कर रहे हैं एलिमेंट्री एरिया, एक छोटा सा क्षेत्रफल आप सपोज कर रहे हैं जिसका डायरेक्शन आपका इंटेंसिटी की डायरेक्शन में ही होगा, सेम डायरेक्शन होने के कारण आपका एंगल क्या है, 0 है। एक ये सिंपल सी बात है। ठीक, इसके आगे कर रहे हैं आप सॉल्व। सो द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द गॉसियन सरफेस, मतलब इस गॉसियन सरफेस से निकलने वाला टोटल फ्लक्स का आपके पास कितना होगा वो देखते हैं। डायग्राम आपने पहले भी बना चुके थे। ठीक है, गॉसियन सतह से निकलने वाला कुल फ्लक्स क्या है आपके पास, फ्लक्स का फार्मूला क्या है, ये अब आपको रटा जाना चाहिए कि फ्लक्स क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई से आप शो कर रहे हैं, फाई ई इक्वल्स टू ई डी एस, होल फ्लक्स ले रहे हैं, कुल फ्लक्स की बात हो रही है इसलिए होल इंटीग्रल आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, फ्लक्स ई इक्वल्स टू फाई टोटल इंटीग्रल या टोटल इंटीग्रल ई डॉट डी एस, डॉट आप रिमूव कर रहे हैं, क्या आ जाना चाहिए, कॉस थीटा, तो फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू क्या आएगा, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए आपको क्योंकि आप फ्लक्स का फार्मूला क्या लिख रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, क्योंकि आप टोटल फ्लक्स की बात कर रहे हैं, कुल फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इसलिए फ्लक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, इंटीग्रल ऑफ ई डी एस, इंटीग्रल ई डी एस है, ई डॉट डी एस, डॉट प्रोडक्ट आप रिमूव कर रहे हैं, क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अब आपको क्या मालूम है कि एरिया का डायरेक्शन और इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है, सेम होने के कारण एंगल क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, 0। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि थीटा आपका क्या है, 0, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा आपके पास, 1, तो आप फ्लक्स क्या आ जाएगा आपके पास, ई इंटीग्रल ऑफ डी एस। ये 3 स्टेप आपको क्लियर हुए हैं, देखिएगा एक बार फिर से देख लें आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या लिखते हैं, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। इंटीग्रल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हैं, कुल फ्लक्स की, नेट फ्लक्स की, टोटल फ्लक्स की आप बात कर रहे हैं, तो होल इंटीग्रल आप यूज कर रहे हैं, होल इंटीग्रल ऑफ डॉट प्रोडक्ट रिमूव कर रहे हैं, क्या आ रहा है, कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर आपका क्या है, 0 है, तो कॉस 0 क्या हो गया, 1 हो गया। तो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ई इंटीग्रल ऑफ डी एस। अब इंटीग्रल ऑफ डी एस से क्या मीनिंग है, देखिएगा इंटीग्रल ऑफ डी एस का क्या मीनिंग है, यदि आप सभी स्मॉल एलिमेंट्री एरियाज को यदि आप मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, किसका एरिया बन गया है आपके पास, किसका एरिया बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, गोलीय पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल, तो आपके पास क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ डी एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4πr² या फिर क्या लिख सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, गोलीय पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल। ओके, फिर आप क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ डी एस की प्लेस पर आपने क्या पुट कर दिया, 4πr², तो फ्लक्स का फाई इक्वल्स टू ई 4πr². ठीक है, अब यहाँ पर आपको किसका यूज करना है, गॉस थ्योरम का। गॉस थ्योरम का आपको मालूम है कि उसका स्टेटमेंट क्या है, कि टोटल फ्लक्स किसकी इक्वल होगा, चार्ज का 1/ε0 टाइम, तो फ्लक्स फाई ई इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, q/ε0। फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 4 में। ठीक है, 4 में आपने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 4 में आपने 4 और 5 को एक्सप्लेन कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, q/ε0 इक्वल्स टू ई 4πr². ठीक है, मेरे ख्याल से इस स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको। एक बार चाहे तो आप फिर से देख लें कि फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, डॉट आप रिमूव कर रहे हैं, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब आपने क्या किया है, कॉस थीटा आपका 0, कॉस 0 इक्वल्स टू 1, तो इंटीग्रल ऑफ ई आपका बाहर कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट वैल्यू है, इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, डी एस। इंटीग्रल ऑफ डी एस मतलब क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया, जिसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 4πr². गॉस थ्योरम से आपको क्या मालूम है, फ्लक्स फाई इक्वल्स टू q/ε0, दोनों को आपने एक्सप्लेन किया है,
तो आप क्या लिख रहे हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर। अब आपको मालूम है ई इक्वल्स टू इंटेंसिटी का वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ई इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या लिख रहे हैं, बट इफ अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज बींग प्लेस्ड एट पी देन फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्टिंग ऑन द चार्ज प्लस क्यू विल बी, मतलब आपके पास क्या है, पी पॉइंट पर आपने एक टेस्ट चार्ज क्या एज्यूम कर रहे हैं, क्यू नॉट, ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो यदि सेम चार्ज है आपके पास, सेम मैग्नीट्यूड तो है लेकिन क्या है उसका नेचर भी सेम है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, तो रिपल्शन फोर्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप क्या दे रहे हैं, फोर्स का आप फार्मूला क्या दे रहे हैं, एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट ई। ये फार्मूला आपका कहाँ से आया है, एफ इक्वल्स टू क्यू नॉट ई, आपने जब इंटेंसिटी पढ़ा था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो आपने ये पढ़ा था रेशियो ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इंटेंसिटी की वैल्यू आप फोर्स की वैल्यू यदि निकालते हैं तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट ई। ठीक है, तो वही है यहाँ पे कि P पर एक अन्य बिंदु आवेश आपने क्या रखा है, क्यू नॉट रखते हैं, तो आवेश पर कौन सा फोर्स लगने वाला, जो भी फोर्स है रिपल्शन फोर्स या जो भी फोर्स है, तो F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यू नॉट E। E की वैल्यू आपने पुट कर दी, क्या है आपके पास E की वैल्यू, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वेयर। इसको आपने अरेंज कर दिया है, देखिएगा कैसे किया है, F इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन क्या आ जाएगा, आर स्क्वेयर। तो आपका कूलाम्स लॉ भी यही होता है आपके पास, ये आपका कूलाम्स लॉ है, आपका एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, यदि आप इसको रिमूव करते हैं तो आपको प्रोपोर्शनल का साइन यूज करना पड़ेगा, एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक चार्ज है आपके पास, क्यू नॉट एक दूसरा चार्ज है, उसके बीच का डिस्टेंस आपके पास क्या है, आर है। ठीक है, वो ये देखिए आप देखेंगे कि आपने क्या लिखा था, एफ इक्वल्स टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर, तो क्यू वन क्यू टू की जगह पर यहाँ पर आपके पास चार्ज क्या है, देखिएगा क्यू एक चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है, उसके बीच का डिस्टेंस आपके पास क्या है, आर है। तो ये आपका कूलाम्स लॉ है, एफ इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वेयर।